धन्यवाद डॉक्टर देवकृष्ण दास जी, नमस्ते और धन्यवाद। सभी यहाँ उपस्थित वेदानुरागी भाइयों और बहनों को हमारा नमस्ते। विषय रखा गया है आज के वक्तव्य के लिए नासदीय सूक्त का विवेचन, और नासदीय सूक्त एक ऐसा सूक्त है जिसका नाम लगभग सभी लोगों ने सुना हुआ है। ये ऋग्वेद के दशम मंडल का 129 नंबर का सूक्त है जिसमें 7 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10,552 मंत्र हैं और सूक्त हैं 1028। लेकिन उन सभी सूक्तों को अगर हम देखते हैं ऊपरी तौर से, तो उनमें से अधिकांश जो हैं 90% तक कह सकते हैं कि देवताओं की स्तुतियों में हैं, जिनको तरह तरह से व्याख्यात किया जाता है। बाकी जो रह गए वो दर्शन या लौकिक या कुछ और विषयों पर है। दार्शनिक सूक्त तो गिनती में कम है, लेकिन जो गिने चुने दार्शनिक सूक्त 8, 10, 15 निकलेंगे, उनमें नासदीय सूक्त को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। ये एक ऐसा सूक्त है जो बहुत बहुत अधिक लोकप्रिय है, मगर बहुत गंभीर है, बहुत कठिन है, दुरूह है। लोग इसे जानना भी चाहते हैं और जान भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो वेद में बाद में नहीं हो रहा है, या कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो कई अर्थों को देते हैं, तो इसलिए भी अर्थ में गहनता आ जाती है। तो गंभीर होते हुए भी आकर्षक है और विभिन्न शैलियों में बोला गया है। जैसे कि आप जानते होंगे निषेधात्मक शैली एक होती है, एक प्रश्नात्मक शैली होती है, और ये दोनों शैलियों में बोला गया है। प्रतीक शैली तो है ही यहाँ पर, तो अच्छी कविता भी ये लगती है, जैसे याद करने में मंत्रों को बोलने के लिए भी बहुत अच्छे मंत्र माने जाते हैं। प्रस्तावना के तौर पर उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो इनके इसके बारे में नहीं जानते या कम जानते हैं। तो इस रूप में इसका प्रारंभिक जो भूमिका है वो दी जा सकती है। दर्शन से जुड़ा हुआ सूक्त है। दर्शन कहते किसको है? देखें तो दर्शन का मतलब है देखना। क्या देखना है, क्या जानना है? या तो जीवन को जानना है या सृष्टि को जानना है। और प्रश्न उठते हैं कैसे, क्या, क्यों। इन तीनों का उत्तर इन दोनों के संबंध में जहां मिले उसको ही दर्शन कहा जाता है मोटे तौर पर। अब जो वैदिक दर्शन है वो उस तरह का दर्शन नहीं है जैसे कि बाद के दर्शन है जिनमें सिद्धांतों की निर्मिति हो चुकी है। अभी सिद्धांत ऐसा कुछ बने नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बाद में बनने वाले सिद्धांत हैं उनका मूल यहाँ पर मिलता है। ऐसे बहुत से दर्शन है भारतीय दर्शन जिनका मूल नासदीय सूक्त में मिलता है। वेदों में तो मिलता ही है सारे ही सिद्धांतों का मूल स्वरूप। तो मुख्य रूप से जो सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, उससे इसको मिलाया जाता है। उसके सिद्धांतों की व्यापकता इसका मूल यहाँ पर दिखाई देता है। तो दार्शनिक सूक्तों में उच्च कोटि का सूक्त है, मेरा तो बहुत प्रिय सूक्त है, लेकिन फिर भी इसके अर्थ को कितना समझ पाई कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी तरह से इसके अर्थ किए गए हैं कहना मुश्किल है। ये जो सूक्त है ये हैरानी की बात है कि दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है, जैसे तैतरीय ब्राह्मण में मिलता है। और मैंने देखा कि एक भाष्यकार जो ऋग्वेद के भाष्यकार है वो यहाँ पर कुछ और अर्थ कर रहे हैं, वहां पर कुछ और अर्थ कर रहे हैं। एक ही व्यक्ति, एक ही भाष्यकार जिनका नाम सायण है, तो वो यहाँ दूसरा अर्थ कर रहे हैं, उधर दूसरा अर्थ कर रहे हैं। तो वो अनेक अर्थ हो सकते हैं, इसकी संभावना हमें एक दिखाई दे रही है और हम इसीलिए इसको गहन और गंभीर मानते हैं। दूसरी बात ये कहने चाहती थी मैं कि जिज्ञासा जो है किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति का मूल होता है। तो इसमें जिज्ञासा दिखाई गई है, एक असंतोष सा दिखाई देता है। जान लिया है बहुत कुछ, फिर भी वो जानना चाहता है। तो जो ऋषि जानना चाहते हैं और से अधिक बौद्धिक असंतोष, संदेह, संशय, ये प्रश्न उठा उनके हृदय में कोई, और फिर उत्पत्ति हुई, फिर संदेह हुआ, फिर ये हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये सब हमें सूक्त में दिखाई देता है। इसका विषय क्या है? अगर देखें जैसे मोटा तो सृष्टि मैंने बोला विषय, लेकिन
सृष्टि भी इसका एग्जैक्ट विषय नहीं है, ये सृष्टि से भी पहले की वर्णन करता है, मतलब सृष्टि की पूर्व अवस्था का विवेचन करता है, जब कुछ नहीं था तब क्या था, ये इसकी खोज है। तो ये एक बड़ा गंभीर सा विषय है और हमें कहीं भी किसी भी शास्त्र में या किसी भी सूक्त में ये विषय नहीं मिलता। सृष्टि का वर्णन तो कर रहे हैं बड़े सारे सूक्त कि हिरण्यगर्भ हुआ उससे फिर ये हो गया, पुरुष हुआ उससे ये हो गया, तो इस तरह से तो बहुत हो रहा है, पुराणों में भी हो रहा है, ब्राह्मण ग्रंथों में हो रहा है, लेकिन सृष्टि जब नहीं थी तब क्या था, उसकी खोज यहाँ पर हो रही है। अगर मैं एनालाइज करना चाहूं तो यहाँ पर 7 मंत्र मैंने बताए, 7 मंत्र हैं, क्योंकि समय की सीमा को ध्यान में रखना है और पूरा सूक्त का एक छोटा सा स्वरूप सामने आ जाए, ऐसी चेष्टा करूंगी। तो 7 मंत्रों में हम इनको 4 भागों में विषयानुसार बांट सकते हैं। उनमें से जो 3 शुरू के भाग होंगे उनमें सृष्टि की जो पूर्व अवस्था है या सृष्टि के आस पास की अवस्था है उसका विवेचन हो रहा है। कहने का मतलब है कि पहली कड़ी है 1, 2, 3 मंत्रों में, दूसरी कड़ी है 4 मंत्र में, तीसरी कड़ी है 5 मंत्र में, और 6ठी और 7वीं जो विषय है वो 4था विषय है। तो ये 4 इस विषयों में इसको बांट सकते हैं। चलिए पहली अवस्था का वो देखते हैं। पहली अवस्था है अभाव अवस्था, जिसका मंत्र पहले मंत्र में और दूसरे मंत्र में वर्णन है और थोड़ा थोड़ा तीसरे में भी वर्णन है, 2.5 तक तो है, 2.5 मंत्रों तक है। वो अभाव अवस्था जो है वो किस चीज का अभाव, तो कह रहे द्वंद्व का अभाव, द्वंद्वात्मक जगत है ना, ये सारा दो से बनता है, तो अभी हुआ नहीं कोई द्वंद्व, कोई दो हुई नहीं चीजें, अभाव अवस्था है, भाव हुआ नहीं। भाव शब्द पर भी थोड़ा गौर करिए, गीता का सबने मंत्र पढ़ा हुआ है, ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः, ना जो असत है उसका कभी अभाव नहीं होता है और जो सत है उसका कभी अपने, ना सतो विद्यते भावः ना भावो, उल्टा हो रहा है शायद, ना सतो विद्यते अभावः ना भावो विद्यते सता, हाँ ये जो असत है वहां पर दूसरे अर्थ में लिया गया है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है लोगों को। यहाँ पर गीता में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो असत है उसका कभी भी होगा नहीं, वो उसका हमेशा अभाव होगा, और जो सत है उसका हमेशा भाव होगा, हर हाल में सत तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कभी भी मिलेगा नहीं क्योंकि उसका अभाव होगा। मैं शब्द पर आपको गौर करा रही थी, भाव पर, भाव मतलब होना, भू धातु से बन रहा है, एग्जिस्टेंट, जो एग्जिस्टेंस है, होना है, अस्ति है, भवति है, जैसे हम बोले मैं हूं, आप हैं, तुम हो, तो ये जो है वाली स्थिति है ये भाव है। अब हमारा मंत्र नासदीय मंत्र कह रहा है ना सतो ना सतासित ना सतासित तदानी, ना असदासित ना सतासित तदानी, यहाँ शब्दों को उलट रहे हैं, वो मैं उसको एक्सप्लेन बाद में करूंगी। तदानीम उस समय ना तो असत था और ना सत था, तदानीम शब्द ही देखने लायक है, उस समय ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, वो भी बोल रहे हैं कि उस समय, यानी कि बहुत 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 पहले की बात हो रही है, ना तो असत था और ना असत, जो नहीं है ऐसा असत्य झूठा, वो वाला अर्थ नहीं है, उल्टा अर्थ है, असत को पहले लिया जा रहा है कि असत नहीं था, यहाँ पर अर्थ लेना चाहिए मूल कारण, जगत का मूल कारण, सृष्टि का मूल कारण असत नहीं था और ना सत था, सत का अर्थ हो रहा है जगत, और ना ये जगत था जो व्यवहारिक अवस्था का सत है। एक्चुअली 3 तरह के सत होते हैं, एक पारमार्थिक सत, एक प्रातिभासिक सत, एक व्यवहारिक सत। जो हमेशा सत रहता है उसको तो पारमार्थिक सत कहते हैं, वो तो ब्रह्म होता है। दूसरा है जो थोड़ी देर के लिए लगता है कि सच्चा है, जैसे रस्सी में सांप, वो जब तक दिखता है प्रतीति काल में तब तक सच होता है, बाकी नहीं होता है, झूठ होता है, वो रस्सी होती है।
और तीसरा व्यवहारिक सत्य है जो ये जगत है हम सबके लिए, हम जब तक हैं ये जगत है। तो यहाँ पर सत्य का अर्थ वेद जो है वो व्यवहारिक सत्य से ले रहा है, यानी जगत से ले रहा है, ना तो असत था ना तो जगत का मूल कारण था और ना ये व्यवहारिक अवस्था का जगत ही था, क्योंकि वर्णन करना है उनको अभाव अवस्था का तो कैसे करें जब चीजें हैं नहीं, तो वर्णन किस चीज का करेंगे। आपको अभाव का हमने वर्णन करना हो तो हम कैसे बताएंगे क्या 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 नहीं है, नहीं है तो नहीं है उसको बताएंगे कैसे। तो इसलिए संभावित जो जो चीजें हो सकती थी उनका निषेध कर रहे हैं कि ये जगत का मूल कारण नहीं था, जगत नहीं था, नासित रजा रजस नहीं था, रजस माने लोक, शायद लोक रहे हो, कहते हैं नहीं नहीं वो भी नहीं थे, नो व्योम, व्योम भी नहीं था, व्योम माने आकाश, और आकाश जो है वो पंचभूतों में भी आता है, इसलिए यहाँ पंचभूत का भी निषेध हो रहा है। रजस जो है वो तीन गुणों में भी आता है, सत रजतम, इसका मतलब तीनों गुणों का भी निषेध हो रहा है, ना तीनों गुण है ना पांचों भूत है, और शायद कोई कहे कि उसके ऊपर का कुछ होता हो, कहते हैं नो, पर वो यार उसके ऊपर का भी कुछ नहीं था, मतलब कि जो नहीं है नहीं है वही बता रहे हैं, शायद ये होता तो होता, दुनिया होती तो कह रहे हैं वो सब चीजें ही नहीं थी तो कहाँ से होता। कि मावरीवा कुह कस्य शर्मन, ये जो पंक्ति है ये जो कवरिंग है उसका निषेध करिए, अगर आवर्य नहीं है, जहां जो चीज आने वाली है वो नहीं है तो जहां आएगी वो तो होगा, जैसे बच्चा अभी आया नहीं है लेकिन बच्चे जहां आएगा वो माँ का गर्भाशय तो है, अभी नमक आया नहीं घर में लेकिन नमक की का डिब्बा तो है, नमक का डिब्बा वो कहाँ रखा जाएगा, वो जगह तो अलमारी में है, तो वो कह रहे हैं ना वो भी नहीं थी, वो ना आवरी वह कोई, ना तो उसकी कवरिंग थी, ना कवरिंग का कुह माने कोई स्थान था, ना ही कोई रीजन था, कस्य शर्मन कोई आश्रय भी नहीं था, मतलब किसी तरह से ना तो आवर्य था ना तो आवरक था। एक उपनिषदों में और संहिताओं में अंब की बात की गई है कि जब कुछ नहीं था तब जल था, सर जलमय था, सब कुछ अंभस था, तो वो उसको भी पूछते हैं तो वो मंत्र उत्तर दे रहा है, अंभा की मासी गहनम गभीरम, क्या गहरा और गंभीर जल था जो उन्होंने कहा जले सर जादव, तो उन्होंने कहा नहीं जल भी नहीं था, सृष्टि जल भी नहीं थे, जिसका उल्लेख आपको ध्यान होगा हिरण्यगर्भ कर रहा है, हिरण्यगर्भ सूक्त जो उसको भी निषेध कर रहा है, वो भी नहीं था, यानी कुछ भी नहीं था, जितनी चीजें संभावित हो सकती है ये अभाव अवस्था है, ये शून्य अवस्था है, ये महाप्रलय अवस्था है, प्रलय से भी पहले, जो दुनिया शुरू होने से भी पहले की अवस्था है, इस समय कुछ नहीं था, जो भी आपको चीजें दिख रही है वो सब अभाव अवस्था में है, अभाव रूप में थी। दूसरे मंत्र में इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं अच्छा सब कुछ नहीं था तो फिर मृत्यु होगी, क्योंकि मृत्यु संहारक है, सबको नष्ट करती है, तो शायद मृत्यु तत्व तो जरूर होगा, कहते हैं ना ना मृत्यु राशि, मृत्यु भी नहीं थी, अगर मृत्यु नहीं है तो अमरता होगी, उसकी विपरीत होना चाहिए, दो दो चीजें होती है ना अमृतम, कहते हैं अमृत भी नहीं था। अब ये प्रश्न हमारे या ऋषि के मन में उठा कि अच्छा फिर काल तो जरूर होगा, जो टाइम इज इट्स वो इम्पोर्टेंट फैक्टर, मतलब वो तो हमेशा होता ही होता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, काल तो सबसे बड़ा अधिकरण, तो कहते हैं ना रात्रि अन्न आसीत प्रकृतः, रात का और दिन का कोई चिन्ह भी नहीं था, निशानी भी नहीं थी, रात की निशानी दिन की कोई निशानी भी नहीं थी, निशानी क्या होती है, रात की निशानी चंद्रमा, दिन की निशानी सूर्य, सूर्य और चंद्र नहीं थे, कोई लक्षण ही नहीं थे, दिन और रात का ही नहीं पता था, कोई सबूत ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो काल भी नहीं था। फिर आते हैं आनी तवातम स्वधया तदेकम तस्मात अन्यत न परह किंचन आस, एक तत्व था तत् एकम, तत् एकम वह एक, उसका नाम नहीं बता सकते, वह सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम का प्रयोग हम तभी करते हैं जब बार बार नाम बोल चुके होते हैं, तो हम वह वह कहने लगते हैं, तुम कहने लगते हैं, तो इसका मतलब है वो जो तत्व है उसको सभी लोग जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो जो एक तत्व है वो था, लेकिन था कैसे, अस्तित्व कैसे था, वो अस्थि कैसे था, तो कह रहे हैं स्वधया अपनी अपने से था,
बिना हवा के था, पंचभूत तो है नहीं, बिना हवा के स्वयं से वो प्राणन करता था, या कि अस्तित्व में था, या कि था, या कि बाकी कुछ भी नहीं था, न किंचित अन्यता सी, अन्यत कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से एक उसमें जब अत्र तत्र सर्वत्र एक छोटा सा तत्व जो कि सब लोग समझते हैं, जिसका नाम नहीं लेते, जो एकम है, जो एकमात्र है, जो अद्वितीय है, वो तत्व था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये महा प्रलय अवस्था या महान अभाव अवस्था या द्वंद्वों से परे की अवस्था का चित्रण इसमें किया जा रहा है। अभी इसी बात को थोड़ा और आगे स्पष्ट करते हैं रूपक शैली में या अलंकारिक शैली में। आपने एक सिद्धांत सुना होगा कार्य कारणवाद, कार्य कारणवाद, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। ये सूक्त जो हमारा है नासदीय सूक्त बहुत जबरदस्त साइंटिफिक भी है, जिसको आधुनिक विज्ञान भी इसको सुनकर हैरान हो जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं कि ये बातें कैसे लिखी हुई है। मैंने तो कहीं पर बोली तो वो मुझे कहते हैं आप बोल रहे हो कि लिखा हुआ है। मैं कहां से बोलूंगी, मुझे साइंस कहां आती है, ये तो वेद में लिखा हुआ है, मैं जो समझ पाई, लिखा तो और भी कुछ बहुत होगा। तो वो हैरान हो रहे थे ये लिखा कैसे, इतना कमाल का ये लिखा कैसे, वो वैज्ञानिक और विदेश की बात कर रही हूं मैं। तो आगे उसका वर्णन करते हैं इसी अवस्था का। तमः आसीत् तमसा गूढ़म अग्रे, अग्र अवस्था में, वही बहुत पहले की अवस्था में, तमसा गूढ़म तम आसीत्। दो तमस का प्रयोग किया जा रहा है, एक तमस है कारण रूप, एक तमस है कार्य रूप। जो मैंने कहा ना कार्य कारण वाक, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। देयर इज नो इफेक्ट विदाउट एनी कॉज, कॉज चाहिए तभी इफेक्ट होगा। हर चीज जो कार्य है वो नष्ट होगी, सिद्ध गीता में बार बार बताया गया। तो जो कार्य कारण है, जो कार्य तमस है, होने वाला तमस है, जिससे होने वाला है वो कारण तमस है, दोनों एक ही हैं। कारण तमस में कार्य तमस गूढ़ हो रहा था, बिल्कुल मिक्स हो रहा था। जैसे अंधेरे में घनघोर अंधेरा मिला दो तो कुछ अंधेरे में दूसरा अंधेरा अलग नहीं होगा, वैसे ही मिले हुए थे दोनों अंधेरे। मतलब कहने का ये कि कार्य जो होना था, भाव होना था, भाव जिसको कहा गया शुरू से, ये भाव वृत्तम सूक्त भी कहलाता है, होने वाला जो एग्जिस्ट में आने वाला है, जो सृजन होने वाला है, उसका विवेचन होना है। तो वो जो होने वाला था वो अभी था नहीं, वो भी तमस था और कारण तमस में मिक्स सब पड़ा हुआ था। तो इसलिए आपको लाइन दी गई है तम आसीत अग्रे, तमस में तमस से मिला हुआ था, अंधेरे में अंधेरा मिला हुआ था, रूपक है बिल्कुल मिक्स थे, कारण से कार्य अलग नहीं हुआ था। अपरकेतम सलिलम सर्वमाइदम, उपमा देते हैं, रूपक देते हैं, कितना मिला हुआ था, कहते हैं उतना मिला हुआ था जैसे कि सारा कुछ जलमय था, सलिलम था, सर्वमिदम सलिलम, पानी में पानी मिला दो, कितना ही पानी मिला दो सब एक सा हो जाता है। तो जैसे पानी को अभिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वैसे ही कारण तमस कार्य तमस अभिन्न अवस्था में थे, अभिन्न अवस्था में थे। आपको अगर दर्शनों को हम लोगों ने जिन्होंने देखा पढ़ा है वो जानते हैं कि ब्रह्म से जगत की सृष्टि होती है, ये जनरली यही सिद्धांत बाद में फैला है। तो ब्रह्म से जगत की जो उत्पत्ति होती है वो किसी बीच में भी एक कुछ तत्व होता है, ब्रह्मा या प्रजापति या हिरण्यगर्भ इत्यादि, वो अभी कुछ भी नहीं बन हुआ था, तो इसलिए माया भी कुछ कहीं कहा गया है, तो वो कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो कार्य तत्व कारण तत्व में पूरा मिक्स पड़ा हुआ था, बिल्कुल घुला मिला पड़ा हुआ, जैसे कि पानी हो। तीसरी पंक्ति में कहते हैं तुच्छे नाभू अपितम यदासी, वो जो आभू है, भू धातु फिर आ रही है, जो वो होने वाला था, वो जो तत्व भाव वृत्तम है, होने वाला था, यानी जो सर्जन अभी सृष्टि होने वाली थी, वो तुच्छ से घिरी हुई थी, बिल्कुल शून्य से भरी हुई थी, घिरी हुई थी। तपसस तन महिमा जायते कम, धीरे से वो तत्व जो एक तत्व है, जो होने वाला तत्व है, वो तपस की महिमा से उत्पन्न हो गया। ये तो शब्दावली है, तपस की महिमा से उत्पन्न हो गया। ये तपस शब्द के इतने अर्थ इतने भाष्यकारों ने किए, हीट भी अर्थ किया जो साइंस के लोग हैं, हीट जनरेट्स,
हीट से पैदा होते हैं, उत्पत्ति होती है, वो साइंस है यहाँ पर। हीट हीट से पैदा हुआ या अग्नि से पैदा हुआ, जल में उन लोगों के मुताबिक पहले जल था, जल से तो वो जो हीट से जनरेट हुआ। और यहाँ का कह रहे हैं कि वो जो एकम है, जो तत् एकम है, उसके तपस से पैदा हुआ। और तपस है क्या? भाष्यकार का जनरल मत है, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ उसने आंखें खोल के ऐसे देखा भर और हो गया, देखा भर और हो गया। यजुर्वेद का एक मंत्र है, बड़ा अच्छा सा मंत्र है, परमात्मन सूक्त उसको कहते हैं, तद अपश्यत तद अभवत तद आसीत। उसने देखा, वो हो गया, वो होना क्या था, वो तो था ही। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए जब हम कहते हैं हो गया, या तो लगता है जैसे दो दो हो गए, दो नहीं हो गए हैं, तो एक ही बस अलग हो गए, तो इसलिए लगने लगे कि दो हो गए। तो यहाँ तपस जो एक शब्द है, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और इन तीनों मंत्रों में तद एकम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और गहरा शब्द है। वो जो तद एकम है वही आभू बना, और आभू से ही हो जाएगी, अभी आगे की सृष्टि हो जाएगी, ऐसा संकेत आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो शुरू के तीन मंत्र थे, इन्होंने पहले अवस्था का चित्रण किया है, जिसका हमने रखा अभाव अवस्था का वर्णन किया, जब कुछ नहीं था, नथिंग कुछ नहीं था, तब क्या था? तो वो कह रहा तब क्या था, कुछ नहीं था, जो हो सकता था वो हम तुम्हें गिना देते हैं, वो सब थे नहीं, इसलिए कुछ नहीं था। जैसे आपको कोई कहे इस कमरे में क्या क्या नहीं है, अब आप क्या गिनाएंगे, आप तुक्का मारेंगे कि ये इसका ये कमरा, इसमें ये हो सकता था और ये है नहीं। इसके बाद जो चौथा मंत्र है वो दूसरी कड़ी कह सकते हैं, अब थोड़ा सा चेंज हुआ कि वो जो तत् एकम है, अभी आप लोग बात भी कर रहे थे कि कामस्तद अग्रे संवर्तत अधि, फिर अग्रे शब्द आ गया है, वो उसी अवस्था में सबसे पहले पहले काम उत्पन्न हुआ, किसको नहीं बताया, आगे लिखा मनसो रेतः प्रथमं यदासीत, जो मन का प्रथम रेतस है, बीज है, जो मन है उसमें सबसे पहले जो अंकुरित होता है वो काम होता है, ये मन का प्रथम बीज है, उससे न जाने क्या क्या चीजें बनती हैं। और ये संस्कृत और जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको सबको पता है कि काम ही बंधन है, सबसे बड़ा कारण है किसी भी चीज का आगे करने का ना करने का, मनसा वाचा कर्मणा सबसे पहले मन में आता है, तो मन में भी काम सबसे पहले होना चाहिए। तो ये जो काम है ये वो वाला काम नहीं है, इसका नाम है सृशिक्षा, सर्जन की इच्छा। उस एकम में सर्जन की इच्छा पैदा हुई, आभू तो खुद उतारू हो ही रहा था कि मैं बनू, मैं कुछ हो जाऊं, तो वो कुछ हो जाऊं मैं, उसके हृदय में उसके मन में सर्जन की इच्छा पैदा हुई, सृशिक्षा पैदा हुई। बस यहाँ आके ये सूक्त अपनी बात खत्म कर देता है, एक तरह से देखा जाए तो सृष्टि कुछ नहीं था, एकम था, उसके मन में काम हुआ और उसने कर लिया, उसने सृजन कर दिया, सृष्टि कर दिया। अब ये मंत्र के चौथे के आधे भाग में बहुत गंभीर बात हो रही है कि ये आपने पता कैसे लगाया, आपकी बात को माने कैसे, प्रमाण क्या है, ये जो आपने फैक्ट निकाल के दिखाया इसका प्रमाण क्या है। तो मंत्र कहते हैं सतो बंधुम असत्य निर्विंदन, ये लाइन तो मेरे मुताबिक कमाल की लाइन है, सतो बंधुम असत्य निर्विंदन हृदय प्रतिष्ठा कवियो मनीषा, हृदय में बुद्धि से कवियों ने सोच सोच कर बुद्धि की उन्होंने प्रयोगशाला में हृदय पूर्वक सोच सोच कर ये पता लगा ही लिया, ऋषियों तो कहा जा रहा है ये पता लगा ही लिया क्या, कि सत का बंधन असत में है, सतो बंधुम असत्य निर्विंदन, खोज लिया, दे सर्च डाउट इट दैट द सत इज एसोसिएटेड विद असत, द असत एंड सत आर बाइंडिंग बाय ए थ्रेड बाय ए डोर, जैसे डोर लगती है तो ऊपर असत है, आपको असत पहले उसने बोला था ना, असत नहीं था सत नहीं था, तो असत से सत हो रहा है, दोनों की डोर जो है वो बंधी हुई है, उससे उसकी उत्पत्ति होती है, ये बात उन्होंने खोज कर निकाली है।
अपने अंदर अपने बुद्धि की प्रयोगशालाओं में या अपने बुद्धि के अंदर विचार कर करके निकालिए। तो जो तर्क करते हैं लोग अक्सर की क्या वैज्ञानिक, आप बताइए, विज्ञान की यह बात ही नहीं है यहाँ पर, तो बुद्धि में सोचने की बात है, इसलिए उन्होंने बुद्धि को सोचा। और हमारी सारी ज्ञान परंपरा में आप बार बार देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि वो बार बार कहते हैं कि हम कवियों ने, मनीषियों ने हमें बताया, कृष्ण जी भी कह रहे हैं हमें सूर्य ने बताया, वो कह रहे हैं हमें मनु ने बताया, हर कोई किसी को कोट कर रहा होता है, क्योंकि ज्ञान की एक परंपरा है जो एक से दूसरे में आ रही होती है। तो इधर इन्होंने यहाँ से बीज, यहाँ से शुरुआत हो रही है ऋग्वेद के ऋषियों से, कि उन्होंने सत्ता बंधन असत में है, इस सत को, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम असत, मूल कारण जो कि एक है उससे आ रहा है, ये उन्होंने खोज कर निकाला। ये तो इन्होंने सेकंड बात इतनी ही सी बताई, और तीसरी चरण में आके लगभग सृष्टि का विवरण समाप्त सा होने लगता है। और तीसरे चरण में वो कहते हैं पांचवा मंत्र, तिरश्चिनो वितुतो रश्मि रेताम अधस्वितासीत उपरिस्वितासीत रेतोधा आसन महिमाना आसन स्वधावस्तात प्रति परस्तात। बहुत ही गंभीर बात है लेकिन बहुत ही संक्षेप में है, जो कि बात के सूक्तों में बहुत विस्तार से कही जा रही है, यहाँ पर सिर्फ हिंट में कही जा रही है, क्योंकि इन्होंने तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले की अवस्था का चित्रण करना था, सृष्टि का चित्रण तो करना इनका इस सूक्त का विषय नहीं है, लेकिन उसका संकेत भर देना है। तो ये जो मंत्र है, ये वाला जो हमने अभी पढ़ा, इसकी पहली लाइन है तिरश्चिनो वितो रश्मि रेशाम, इनकी रश्मि माने डोर तिरछी बंधी हुई है, जो अभी मैंने ऐसे तिरछी करके आपको दिखाया, जैसे कपड़े की डोर बांधो तो थोड़ी सीधी ना करके ऐसे तिरछी लगा, तो इनकी डोर तिरछी बंधी हुई है, आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक डोर है, तो तिरछी बंधी हुई है, दो खाने हो गए ना ब्रह्मांड के, इधर एक उधर, अधस्वितासित उपरिस्वितासित, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, ऊपर क्या था नीचे क्या था, ये कि एक अर्थ है, ये मैं नहीं कह रही कि यही अर्थ है, बहुत अर्थ है इसके भी, रश्मि माने किरण भी होता है, रश्मि माने प्रकाश भी होता है। एक दूसरा अर्थ है जो बहुत अच्छा लगता है, वो अर्थ ये है कि वो कहता है कि ये जो तुम कह रहे हुआ हो गया, तो ये बताओ कि पहले कहाँ पर हुआ, पहले कहाँ पर हुआ, आकाश में हुआ कि पृथ्वी में हुआ कि अंतरिक्ष में हुआ, पहले मनुष्य बना कि पहले पशु पक्षी बने, कल उर्मिल जी बात कर भी रही थी, तो क्रम क्या था, कहते हैं कुछ नहीं पता, इतनी शीघ्रता से हो गया कि सब जगह एक जगह एक साथ हो गया। रश्मि रेशाम तिरश्चिनी, इनकी रश्मि बड़ी तेजी से फैल गई, इनका प्रकाश बहुत तेजी से फैल गया, सो शीघ्रम शीघ्रता से फैल गया, स्व कार्य जनने शीघ्रम प्रतिपाद्यते, शीघ्रता का प्रतिपादन करता है, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा जो मैंने बताया, डोर सत की असत से बंधी हुई है, और उसके इधर और उसके उधर, या उसके नीचे और उसके ऊपर, दो टुकड़े दो खंड हो गए, वो दो खंड क्या है, जो कि हम सिंपल भाषा में कहते हैं जगत जो है द्वंद्वात्मकम जगत या जड़ चेतनात्मकम जगत, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही यहाँ पर भी वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि दो भागों में बट गई, दो भाग थे, कौन से थे, एक था रेतोधा आसन एक महिमाना आसन, एक रेतस का आधान करने वाले एक महिमावान। रेता शब्द जो आपने हमने चौथे मंत्र में सुना था, मन का प्रथम रेतस है काम, तो वो रेतस का आधान करने वाले मतलब काम करने वाले, कामनाओं को करने वाले, या कि शक्ति को करने वाले, वीर को करने वाले, कुछ भी अर्थ निकालेंगे, जो चेतन भी कर सकते हैं, चेतन कॉन्शियस भी कर सकते हैं। और महिमाना आसन दूसरे बड़े बड़े थे, एक बड़े बड़े थे एक करते थे आधान करते थे, मतलब कि सिंपली ये अर्थ हो रहा है कि एक जड़ है और एक चेतन, दो भाग ये हो सकते हैं, कुछ जड़ हो गए कुछ चेतन हो गए, कुछ पेड़ पौधे हिमालय इत्यादि बन गए, कुछ मनुष्य जीव बन गए, क्योंकि एक सृष्टि खाली हम ही थोड़े ना हो रहा है, अभी वायरस फैल रहा है तो सबको प्रकृति की बहुत ध्यान जाता है ना, प्रकृति भी तो उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो प्रकृति भी ईश्वरी कर रहा है, प्रणीत वहीं से सृष्टि से हो रही है, तो एक हिस्सा तो वो है जो बड़ा बड़ा है, एक है जो रेतस का आधान करता है, फिर उसी को डिफाइन करते हैं स्वधा अवस्था प्रयति परस्ताद, जो प्रयति है जो प्रयत्नशील है जो एक्टिवेट है या एक्टिव है दैट इज रेतोधा, और जो स्वधा है जो स्वस्मिन धीयते जो अपने में धारण करती है
वो है महिमानः। अब इन्होंने ऐसे क्रॉस कर दिया है, उलट दिया है, वो जो दो कैटेगरी है वो दो नीचे वाले में उलट गई है। खैर, उससे ये हुआ कि हम अगर सिंपल भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि जड़ चेतनात्मकम जगत, तो एक जड़ बन गए, कुछ चेतन बन गए, कुछ भोग्य बन गए, कुछ भोक्ता बन गए, कुछ जीव बन गए, कुछ प्रकृति बन गए, जीव और प्रकृति भी कह सकते हैं, कुछ हो गए जिनका यूज किया जा रहा है, कुछ है जो यूज कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, मतलब मोटी मोटी दो कैटेगरीज में दुनिया बनी हुई है, कुछ भोग्य है, कुछ भोक्ता है। प्राणी जो जगत मनुष्य है, पशु पक्षी भी थोड़े उसमें आ जाते हैं, वो भोग करते हैं, और जो ये जड़ है, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ पर्वत, अनाज उत्पत्ति, ये सब हम भोगते हैं, खाते हैं। तो ये हमारे इसी को उपनिषदों में अत्ता और अन्न कहा जा रहा है, खाने वाला और खाया जाने वाला। तो ये दो कैटेगरी में सारा सृष्टि सर्जन हो जाता है, यहाँ के बस नासी सुख की सृष्टि की बात समाप्त हो जाती है। तो ये दूसरे सूक्तों से फर्क सूक्त है, और आपने देखा कि बड़े रहस्यात्मक तरीके से, रहस्यमय और आकर्षक तरीके से सृष्टि के पहले की अवस्था का चित्रण करता है। अब जो दो मंत्र बचे वो भी कोई कम कमाल के नहीं है, उनमें वो ये कह तो गए, सब कुछ बता तो गए। आपको मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि इस पूरे सूक्त का ऋषि है परमेष्ठी प्रजापति, जो ऋषि का मतलब है जिसने इसका दर्शन किया, जिसने ये ज्ञान दिया, उसका नाम रखा गया है परमेष्ठी प्रजापति, परम स्थान पर बैठने वाला प्रजापति। और जो इसका देवता है वो है भाववृत्तम, भावों की वृत्तांत, जो होना है उसकी कहानी, उसकी कथा, तो वो तो खैर चली रही है। विवेचन, जो विवेच्य विषय होता है उसी को देवता कहते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, और अब उसका नाम आने वाला है जो इसका ऋषि है। तो प्रश्न इन्होंने अब छठे में उठाया कि इस ये सब जानता कौन है, ये जो तुमने विवेचन किया या विवेचन कर रहे हैं हम लोग सृष्टि के बारे में या उससे भी पहले, कौन बताया तुम? कहते हैं बहुत कठिन प्रश्न है। अब ये प्रश्नात्मक शैली है, अभी तक निषेधात्मक शैली थी, ना 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 करके हो रहा था, अब प्रश्न में हो रहा है। ओ अद्धा वेद कह इह प्रवोचत कुतः अजाता कुतः इयम विसृष्टि, अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन अथ को वेद यत आबभूव। अद्धा का मतलब है सही सही, एग्जैक्टली, रियली, डिटेल्ड वे में, परमार्थता, सत्यता, कौन जानता है, कौन है जो जानता है, को वेद कौन जानता है, प्रश्न है। पूरी तरह से रियली बिल्कुल फैक्चुअल तरीके से कह यही प्रवोचन, और कौन है जो यहाँ आके बताएगा, दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। फिर एक और प्रश्न उठाते हैं, कुतः आ जाता कुतः इयम विसृष्टि, ये जो विसृष्टि है, विविधा सृष्टि, ये साधारण सृष्टि नहीं है, विशेष सृष्टि है, विसृष्टि है या विविध प्रकार की सृष्टि है, ये कुतः आ जाता। आप देखिए दो बार कुतः कुतः का प्रयोग हुआ है, कुतः आ जाता कुतः आ जाता, इसको छोड़ नहीं सकते, एक कुतः को दोनों के साथ आ जाता को जोड़ा जाएगा, कुतः आ जाता कुतः आ जाता, कहाँ से आई कहाँ से आई। तो यह दो प्रश्न है, तो क्या है ये प्रश्न? अब आपको फिर से ले चलते हैं कार्य कारणवाद की ओर। जो कारण है, कार्य उससे उत्पन्न होता है, मैंने बताया था, और कार्य जो है वो नाशवान होता है, और कारण भी नाशवान होते हैं अगर वो कार्य भी होते हैं, तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है, कारण से कार्य, कारण से कार्य, हर बीच वाला जो होता है वो कारण भी होता है और कार्य भी होता है। तो ये जो कारण होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण है जो करने वाला है, और उपादान कारण है जो सामग्री है। ये बहुत सरल सी बातें हैं जो बताई गई हैं। तो जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, मिट्टी, मिट्टी जो है वो, मिट्टी की जो ढेरी लगी हुई है कुम्हार के घर में, वो है उपादान कारण, जिससे कि अभी घड़े, सुराही, गमले, सकोरे, ये सब बन जाएंगे, और जो बनाने वाला है वो है कुंभकार। तो अपने आप सुराही से, मिट्टी से नहीं बन जाएगी, उसमें कुंभकार भी जुड़ेगा। तो कुंभकार निमित्त कारण है और सामग्री उपादान कारण है, दोनों मिलकर घड़े को बनाएंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है दो प्रश्न, कुतः आ जाता कहाँ से आई,
व्हाट इज द उपादान कारण, कौन है इसका इंस्ट्रूमेंटल कॉज और कौन है इसका निमित्त कारण, इसका निमित्त कारण कौन है, इसका मतलब जैसे वहां कुम्हार है तो यहाँ कौन है, सामग्री कहाँ से आई, सामग्री क्या है और बनाने वाला कौन है, दो चाहिए थे ना तभी तो कुछ बनता है, उसके बिना तो कोई चीज बनती नहीं है। जितनी भी दुनिया की चीजें, जितनी भी दो चीजें चाहिए, हमारा शरीर बनने में भी दो चीजें चाहिए और जो भी बनेगी वो नष्ट भी होगी, ये भी बिल्कुल साइंटिफिक रूल है। तो ये कुतः जाता, ये तुम्हारी जो विविधा सृष्टि थी ये किस निमित्त कारण से हुई, किस उपादान कारण से हुई। और जो उपनिषद हैं बहुत डिटेल में इसका उत्तर देते हैं, मुंडक उपनिषद इत्यादि, कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है ब्रह्म। वो ब्रह्म जो तत्व, सृष्टि का तत्व जो मूल कारण है, वो दो कारण नहीं है, वो जुड़ा हुआ कारण है, दैट इज ए वन कॉज एंड बोथ आर एसिमिलेटेड इन दैट, दोनों कॉज उसी में जुड़े हुए हैं। वही कुम्हार है, वही मिट्टी है, क्योंकि वही ब्रह्म अपने को जगत के रूप में बदल लेता है और फिर वापस चला जा, फिर उसी में आ जाता है। तो ये फिलॉसफी बाद में डेवलप हुई है, यहाँ सिंपली जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो उसको और संकेत दे रहे हैं। दो प्रश्न उसने उठाए कि ये भी कौन जानता है और कौन बताएगा, कौन कह सकता है, और वाक देवास्य विसर्जने न, शायद देवता बता दें, क्योंकि देवता तो सर्वज्ञ होते हैं और सब कुछ जानते हैं। बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देवता तो उसके बाद में हुए, कोई भी बाद में होने वाला अपने पहले वालों का कैसे बताएगा, इसलिए देवता भी सृष्टि के बारे में नहीं बता सकते। अथ को वेद यथा, तो फिर कौन बताएगा कि ये कहाँ से। तो फिर प्रश्न में आके उन्होंने छोड़ दिया, जैसे कोई प्रश्न में छोड़ देता है ना, संदेह में छोड़ देता है, संशय में, वैसे छोड़ देते हैं। और मंत्र इनडायरेक्टली जो कहना चाहता है वो आप अर्थ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और वो मेरे मुताबिक अर्थ निकल रहा है, ब्रैकेट में आएगा कि अगर कोई बताएगा तो वेद ही बताएगा, वेद का ऋषि बताएगा, और कौन बताएगा, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, और कौन बताएगा, देवता भी नहीं बता सकते, कोई उस समय तक हुआ ही नहीं है तो कौन बताएगा। ऋषियों ने अपनी बुद्धि में सोच सोच कर ये सारी बातें निकाली, अगर तुम्हें माननी है तो मान लो, नहीं मानी तो मत मानो, और कोई तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें इन बारों इसके बारे में बताने वाला है, इसका कारण कौन है, इसका निमित्त कौन है, इसका उपादान कौन है, इत्यादि इत्यादि। जो सप्तम मंत्र है वो पूरे सृष्टि की दुर्धरता का वर्णन करता है, कि इसको धारण करना कठिन है, एक सस्टेनिंग प्रिंसिपल भी होता है ना, जो अगर ये हुई तो इसको धारण करने वाला कौन, तो वो है कोई क्या। तो कहते हैं इयम विसृष्टि यथा बभु यदि वा दधे यदि वा ना, जो ये सृष्टि है वो कहाँ से आई, वो उसको धारण करता था या कि नहीं धारण करता, कहते हैं आई डोंट नो, धारण करता होगा तो वही करता होगा, नहीं धारण करता होगा तो वो ही नहीं करता होगा, और कौन करेगा, जब कोई है ही नहीं तो कौन करेगा। फाइनली कहते हैं योस्य अध्यक्षा परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा ना, जो इसका अध्यक्ष परम व्योम में बैठा हुआ है वो जानता है कि वो भी नहीं जानता है। तो वो परमेष्ठी प्रजापति जिसने ये सूक्त लिखा या जिसने ये सूक्त हमें बताया, लिखा तो नहीं कहते, देखा, दर्शन किया, तो वो जो अध्यक्ष है परम व्योम में, अब परम व्योम में व्योमन शब्द पहले आ चुका है, आकाश हम मोटा अर्थ ले रहे हैं, लेकिन आकाश नहीं होता, जो बिल्कुल लाइट स्पेस, दैट इज लाइट स्पेस, जिसको हम आकाश कहते हैं, वहां कुछ है नहीं, ओनली लाइट एंड लाइट। तो वो जो लाइट स्पेस है, जो निर्मल बिल्कुल है, जो प्रकाश है, जो खुला हुआ है, जो वाइड है, जो ओपन है, उसमें जो रहता है, वो जो वहां पर बैठता है परमेष्ठ, वहां पर जो परम स्थान पर बैठता है, वही शायद इसका अध्यक्ष है। तो अगर वो जानता है तो वही जानता है, नहीं तो कौन जानेगा। तो इस तरह से लाके यहाँ पर सूक्त हमें छोड़ता है, और इस इनडायरेक्टली इसका उत्तर देना ये चाहता है कि अगर जानते हैं तो वेद जानते हैं, वेद के ऋषि जानते हैं, अगर मानना है तो मान लो, नहीं माना तो नहीं मानो, कोई जबरदस्ती नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि कोई उस समय है नहीं, इतनी पहले की अवस्था का चित्रण हो रहा है। और ये भी सब उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से, अपनी अंतरात्मा की अंदर अंदर की दृष्टि से खोज के निकाला है, ये कोई वो क्लेम नहीं कर रहा है कि प्रयोगशाला में निकाला है। तो इसलिए
इस तरह का ये गंभीर सूक्त है, वेद का जो रहस्यमय सूक्त है सृष्टि के बारे में, ये विवेचन देने वाला सूक्त है। और मैं थोड़ा सा समय इसलिए भी छोड़ रही हूँ, किसी को प्रश्न करने हो तो वो कर सकते। धन्यवाद मैडम जी, आपने छोटी सी अवधि में 7 मंत्रों को स्पष्ट किया है, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बढ़िया प्रासंगिक विषयों को आपने लिया और सभी के लिए संकेत आपने किया कि सतो बंधु मसति नीरविंदन, इस पंक्ति को याद करके जाइए, सतः बंधु असत तत्व में सत नामक तत्व बंधित था, अवध था, ढका हुआ था, छिपा हुआ था, तो वही तुच्छ है और जिसके अंदर आभु मौजूद था। तो इस तरह बहुत से विषय आपने उठाए, प्रश्न तो बहुत से आ गए हैं। हमारे प्रेम सचदेवा जी हैं, आदित्य अग्निहोत्री जी हैं। मैं समझता हूँ कि प्रासंगिक ये होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे रणजीत बेहरा जी यहाँ बैठे हैं, वो वेद विभाग के संभालते हैं। तो रणजीत बेहरा जी से निवेदन है, अब 5 मिनट अपना वक्तव्य रखें मैडम के वक्तव्य की पुष्टि में, फिर प्रश्न उत्तर का सत्र हम प्रारंभ करेंगे, हमारे पास समय है। रणजीत बेहरा जी, अगर आपको हिंदी में कठिनाई है तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। हाँ, सभी को नमस्कार। तो मैं तो मैडम को सुन रहा था, बहुत बढ़िया सरल शब्दों में, और उन्होंने सरल तरीके से उदाहरणों के साथ प्रेजेंट किया है। तो इस संदर्भ में जो नासिद्य सूक्त की बात करते हैं, कल भी बहुत दास ने अच्छी चर्चा उसमें की थी, मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा आचार्य यास को कोट करते हुए अपनी बात उसमें रखना चाहता हूँ। जब दैवत कांड के प्रकरण में आचार्य यास को वहां पर चर्चा करते हैं, तो मंत्रों का अभिप्राय क्या है, मंत्रों की विषय वस्तु क्या है, अगर उस संदर्भ को हम लोग उसमें देखें, अगर उसको हम लोग देखना चाहेंगे, तो वहां पर अलग अलग प्रसंग को वहां पर जो है चर्चा उसमें से करते हैं। तो अगर पहले उसमें से देखेंगे तो निंदा और प्रशंसा की उसमें बात करते हैं, वो प्रसंग बाद में उसमें आता है। एक आशीर्वाद परक मंत्र है और एक स्तुति परक मंत्र है। तो उसके बाद एक आता है कस्यचित भावस्य आचिख्यासा, वो जो तत्व ज्ञान की बात करते हैं, सृष्टि प्रक्रिया की बात करते हैं, वहां आचार्य यास को जो है वहां भाव के संदर्भ में उन्होंने लिया है। वो भाव किसकी विवक्षा करते हैं, वहां भाव का अर्थ उन्होंने दिया गया है। तत्व ज्ञान की बात करते हैं, वहां सृष्टि प्रक्रिया की बात करते हैं, उसको जो है आचार्य यास ने एक विधा के रूप में स्वीकार किया है, वो है भाव के संदर्भ में। वहीं वहां जो मैडम ने बात की थी, जो पहले पूरा का पूरा अंधकार था, उसके बाद आगे उसकी सृष्टि प्रक्रिया की हुई, और इस बात को मैं यह शेयर करना चाहता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश मैडम जी, आपसे निवेदन है आप विचार रखें, प्रश्नोत्तर तो चलते रहेंगे, और इस पे प्रश्नोत्तर नहीं आएंगे तो आएंगे। धन्यवाद, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैडम आपसे एक निवेदन है, तो दास जी मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, एक मैडम सरोज मल्होत्रा जी हैं, तो उनका कुछ मतलब हाँ ठीक है ठीक है, तो मुझे लगता है वो कहीं मतलब विश्राम कर रहे हैं। मेरा भी चित्र नहीं आ रहा है, मेरा भी वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा था मैं, सरोज मैडम एक अटेंड कर रही थी उनके बारे में कह रहा था। चलो ठीक है मैडम, अभी सुन रही है। ठीक है ठीक है, अपना नहीं देख पा रही हूँ, मालूम नहीं जो भी है। खैर आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं? पहले मैं शशि तिवारी जी आपको बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इतनी मतलब कठिन हम कहेंगे और सृष्टि की पहेली जो इस सूक्त में वर्णित है, वास्तव में बहुत सरल करके और बहुत अच्छी प्रकार से आपने इसकी व्याख्या की है। मुझे लगता है कि काफी लोगों को समाधान इसमें मिल गया होगा, और मुझे भी ये लगता है कि ये जो सूक्त में निषेधात्मक, प्रश्नात्मक और जो संशयात्मक तीन प्रकार की प्रक्रियाओं को लेकर सृष्टि के जो है सृष्टि के विकास की प्रक्रिया को या सृष्टि के आरंभ होने की प्रक्रिया जो बताई गई है, उसे आपने बहुत ही सरलता से और बहुत सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, तो आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और मुझे भी लगता है कि कल भी मैंने यही कहा था कि वास्तव में ये जो सूत्र है भारतीय दर्शन का महाद्वार है, क्योंकि तो इस सूत्र में, इस सूत्र के मूल में
उस परमेष्ठी की बात है, उस महाज्योति की बात है जो निरंतर अनादि है, अखंड है और निरंतर प्रज्वलित है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ मनुष्य की जिज्ञासा को, क्योंकि जो होल फिलोसफी स्टार्ट फ्रॉम जिज्ञासा, हमारा मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, सृष्टि क्या है, जीवन क्या है, इस बारे में अक्सर हमारे मन में प्रश्न आते हैं। कभी ना कभी जीवन में हर कोई सोचता है कि ये सृष्टि कैसे बनी, या हमारा जीवन क्या है, या जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ बात है सृष्टि की, तो हमारी जो मूलभूत जिज्ञासा है या जो चिरंतन जिज्ञासा है, इस सूक्त में पहली बार यहाँ पर उसको स्वर मिला है, छंद मिले हैं। तो सीधे सादे शब्दों में हम कहें तो यहाँ उस अदृश्य सर्वोच्च शक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। प्रश्न है, उत्तर है, और ऋषि अपनी तरफ से उत्तर देते ही नहीं है, वो पहले निषेधात्मक वर्णन करते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं, और अंत में भी जाकर हम देखते हैं उत्तर नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि हमें सोचने के लिए, उत्तरों को ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको अगर उत्तर ढूंढना है तो आपको स्वयं प्रश्न जो है कोशिश करनी पड़ेगी, स्वयं जो है प्रयास करना पड़ेगा। तो सर्वोच्च शक्ति का जो अस्तित्व है उसको स्वीकार तो वो करते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर अपनी ओर से ऋषि नहीं दे रहे हैं, वो हमें सोचने के लिए विवश कर देते हैं। मानो जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए पंख दे दिए, अब उसे आकाश का विस्तार नापना है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर कही गई, और जो मुझे लगता है कि इस सूक्त की सबसे सुंदरता यह है कि यहाँ चिंतन और कवित्व दोनों का समन्वय हुआ है। चिंतन ऐसा है कि यहाँ तर्क कर्कश नहीं है, बहुत सुंदर तर्क है, और काव्यत्व जो है तर्क के ऊपर आरोपित नहीं हो रहा, काव्यत्व उच्छ्वसित होने से बच गया है। और सृष्टि का मूल जो मन का रेतस है, जो काम है, तो यह वो जो काम है, काम का जो बीज है, वो वास्तव में वहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि उस कामना से ही एको अहम बहु श्याम प्रजाए, ये जो कामना है। अभी अदिति जी का प्रश्न में देख रही थी कि ये काम क्यों उत्पन्न होता है। अब काम हम हर व्यक्ति के मन में जो काम या जो इच्छा है, वो सृष्टिक्षा है, जैसा आपने कहा, तो सृजन करने की जो इच्छा है वो हमारे भीतर, हर व्यक्ति के भीतर है। और जब वो एक उस अदृश्य शक्ति में जो सृजन करने की सृष्टिक्षा जागती है, तो वो जो है एक्चुअली काम है। और उसके कारण ही रूप में अरूप या सत्य में असत को देखने की कोशिश इस मंत्र में की गई है। और लास्ट में जो कहा गया कि संशय कि क्या पता वो भी जानता है या वो नहीं जानता, तो मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल क्या है, वैज्ञानिक संशयवाद है, साइंटिफिक सेप्टिज्म हम जिसे कह सकते हैं। और देखा जाए तो भीषण बौद्धिकता यहाँ पर बताई गई है कि वहां पर हमें मतलब एक संशय की स्थिति में हमें छोड़ दिया है कि क्या पता वो जानता है या नहीं जानता है। और भाव रितम वास्तव में सृष्टि की सुंदर कथा परमेष्ठी के द्वारा यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। कल भी मैंने एक पंक्ति जो है कोट की थी जिसमें यही कहा गया कि सृष्टि एक ऐसी पांडुलिपि है, पुरानी पांडुलिपि है, जिसका पहला और आखिरी पृष्ठ खो गया है। यूनिवर्स हैज बीन कंपेयर्ड विद एन ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट ऑफ विच फर्स्ट एंड द लास्ट पेजेस हैव बीन लॉस्ट। तो ये जानना कठिन है कि कैसे सृष्टि शुरू हुई और कैसे समाप्त हुई। तो धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। हाँ जी मैडम जी, प्रवेश मैडम जी, बहुत धन्यवाद। और बहुत से ज्ञात और अज्ञात लोग उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। आज 66 संख्या हमारी थी ये मैडम जी के व्याख्यान कौशल और मैडम जी की प्रशस्ति को ध्वनित करने वाली एक संख्या है। तो बहुतों की इच्छा भी है और बहुतों से टिप्पणियां भी मिली हैं कि इस तरह हमारे संगोष्ठी में, जब तक ये लगभग जून मास तक इस तरह ये चलेंगी व्यवस्थाएं, तो इसमें आप एक दो बार और हमें समय दीजिएगा। और जिससे आप देख रही हैं लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो इस तरह आप मन बनाइएगा। और आप हमारे वेद संस्थान के एडवाइजरी जो कमिटी है उसकी प्रमुख सदस्य हैं, तो शोध कार्य में भी आपका सहयोग मिलता रहता है। हमारे विभाग उर्मिल मैडम जी मौजूद हैं। मैं एक मिनट कुछ कहना है, प्रश्न पूछना। मैडम जी,
मैं एक मिनट बोल रहा हूँ, हम भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, जरा समय दीजिएगा। ठीक है, आप रखिए, है समय हमारे पास 5 मिनट। अभी शशि जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए क्या कह रही हैं। नहीं, पहले प्रश्न रख लीजिए मैडम, क्योंकि प्रश्नोत्तर का सत्र है। मैं अंतिम में ऐसे कुछ कहूंगी बस। डॉक्टर शर्मा जी बताएंगे। हम कुछ कहें? कहिए। देखिए, हमें ये लग रहा है कि जो सृष्टि की तमाम चीजें, चाहे वो व्योम है, चाहे वो जल है, चाहे और सब चीजें हैं, सृष्टि का अंग है। अगर उसको सृष्टि से पहले मान लेंगे तो सृष्टि कहाँ पूरी हुआ और अभी कहाँ हुआ। तो इसलिए ये कहना कि ये सब नहीं था और वो तमाम अपने आप में, तो मुझे लगता है कि बड़े नेचुरल वे में है, क्योंकि वो जिन चीजों को वो बना कर रहे हैं वो एक तरीके से सृष्टि का पार्ट है, उनसे भी पहले कौन होगा। तो ये तो जिनाई करने वाला पार्ट बहुत नेचुरल है, तो मुझे लगता है कि इसके तो एक और एंगल अपने आप में डाला जा सकता है इसको समझने। और मुझे लगता है कि ये पार्ट हमारे पास में कि जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और वो कार्य करता है, वो हमारे पास में जो कहना चाहिए कि जो माया का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कुछ इसी तरह का है कि उसमें हमारे पास में वो है लेकिन वो वास्तव में है नहीं, और उसका क्या रूप है उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कहीं लोगों को, मुझे तो, मैं तो थोड़ा, मेरा विषय ये रहा नहीं है, पर कभी कभी मेरा ध्यान गया है और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एक दूसरे एंगल से थोड़ा सोचा जा सकता है, जो अपने आप में प्योरली इसको कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान का पार्ट भी ज्ञान है। गीता में ज्ञान ज्ञानम से विज्ञानम, तो वो ज्ञान जो विज्ञान को लेकर के चलता है उसका तो पूरा ज्ञान कहा गया है। तो मुझे लगता ये है कि ये सृष्टि का जो इन्होंने दिया है, इसमें थोड़ा सा आप कहीं इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद। मैडम जी, आप कुछ प्रस्ताव रखेंगी? हाँ, डॉक्टर शर्मा जी ने जो बात बोली है बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन जिन चीजों का निषेध कर रहे हैं उन चीजों की संभावना थी, और ये भी सच है कि वो सब बाद में हुई है। तो बात उनकी बहुत सही है, एक अलंकार होता है ना, जो शायद अर्थापत्तिया क्या नाम है उसका, जिससे पता हम निकालते हैं कि ये इसका हिडन मीनिंग है, कि वो बाद में भाव रूप में वही होने वाले हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल सही समझा है, रजस भी हुए, पंचभूत भी हुए, बाद में मृत्यु भी हुई, अमरता भी हुई, काल भी हुआ, सब कुछ हो गया। एक प्रश्न किसी ने किया हुआ है, काल क्यों हुआ, सॉरी कामना क्यों हुआ, उसके उस तत् एकम में काम क्यों हुआ है? किसी ने प्रश्न संभूत है, आकाश आदि, अग्नि, अग्निर, आप है, ये पूरा जो है एक सीक्वेंस उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास में सृष्टि का जो है वो काम शुरू हुआ और कैसे हुआ। मुझे लगता है लेकिन मैं इस विषय का बहुत गहन से अध्ययन नहीं किया लगा है जी। तो काम की बात जो की गई है, प्रश्न किसी ने उठाया है, तो उसका उत्तर ये है कि वो कामना, उपनिषदों में इन चीजों का विस्तार है ना, आपने सबने सुना होगा, एको अहम बहुश्याम प्रजाये, और वो हो गया। इस तरह से उसकी जो इच्छा हुई क्यों हुई वो उसका उत्तर है। या फिर ब्रह्म सूत्र में वो शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा, लीला के लिए किया, हम सबको फंसा दिया पैदा करके, इतने सारे लोगों को, हमको दुनिया के ये सब कोरोना वरोना के लिए हम सबको फंसा दिया, तो उन्होंने तो अपनी लीला करी, एको अहम बहुश्याम, यही इसका अर्थ निकलेगा ना। तो इसलिए उत्तर जो है, ये प्रश्न भी बड़ा गंभीर है कि आखिर उन्होंने किया क्यों, वो जो एक थे एकम ही रहते क्यों किया उन्होंने। अगर उनकी लीला थी तो हम जो जीव हुआ वो उसकी दुनिया में आना जाना शुरू हो गया ना। तो इन सब प्रश्नों का अभी भी बहुत अनबूझे से प्रश्न रह जाएंगे, क्योंकि ये दर्शन है
इनको देखते रहना पड़ेगा, बार बार देखते रहना पड़ेगा। मैं जो याद कर रही थी, आपने मुझे कहा था कि इसको कोविड से मिलाना है, आपकी सीरीज उसी के लिए शुरू हुई है, और उर्मिल जी ने कहीं कुछ लिखा या मैंने उनसे सुना कि इसमें जो जो छठा मंत्र है वो कहता है अथ कोवेद, तो जो कोवेद है वो कोविद है, कोविड-19। जो कोविड है वो उसका नाम भी वेद में आया हुआ है, कोविड। कोविड को कौन जानता है, उसको कौन जानता है, कौन बताएगा ये कहाँ से आया कहाँ जाएगा। तो जो आज हमारा प्रसंग चल रहा है, प्रासंगिक भी ये सुख हो रहा है, इतना पुराना इतना पुरानी बात करते हुए भी, तो मुझे ये थोड़ी सी हट की कुछ अलग भिन्न तरह की बात थी, लेकिन आपने ही मुझे संकेत दिया था कि इसको जोड़ देना जरा उससे, कोरोना वायरस से उससे तो ना जोड़ सकेंगे लेकिन कोविड-19 से जरूर जोड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी। अब समय हमारे पास नहीं है, अब हमें समय की श्रृंखला में चलनी है। एक जो भूदेव शर्मा जी का प्रश्न था तो उनको मैं करता हुआ फिर धन्यवाद करता हूँ। ये व्याकरण का विषय है, ना सदासित, ये छोटा सा छोटी सी जो पंक्ति है यही कहता है कि यहाँ भाव पदार्थ भी था अभाव पदार्थ भी था। हम लोग व्याकरण होते हैं तो इसलिए पंक्ति पावना व्याकरणी, तो इसलिए व्याकरण वालों की यहाँ बड़ी आवश्यकता होती है। तो ना सदासित, ना असत इतना हम ले लें, इसे ना शब्द कहते ही छह अर्थ इसके निकलते हैं। क्या छह अर्थ है? ना तत्सादृश्यम, तदभावस्य, तदन्यत्वम, तदलपता, अप्रासस्य और विरोध। हम केवल असत सत का विपरीत ले लेते हैं, विरोधार्थ असत, सत भी नहीं था असत नहीं था, ये नहीं, बल्कि इसका मतलब तदृश्यम तदन्यत्वम, सत के समान कुछ था, ये न नहीं निषेधार्थक नहीं है, वो न ही कह रहा है सत के समान कुछ समानार्थक था। ब्राह्मण भोजय, ये पंक्ति लीजिए कि भोजन के लिए ब्राह्मण भिन्न व्यक्ति को बुलाइए। ब्राह्मण का अर्थ क्या है कि ब्राह्मण सदृश किसी व्यक्ति को बुलाइए। न्यूनार्थ में यहाँ भी होगा कि ब्राह्मण तो है जाति से कर्म से नहीं है, तो ब्राह्मणत्व न्यूनता जिनमें है पर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है उसको बुलाइए। तो ये न शब्द स्वयं ही कह रहा है कि यहाँ सत तो था और सत के समान कुछ तत्सादृश्य तदन्यत्व, इस तरह कोई पदार्थ असत भी था। इस तरह असत का मतलब है अभिव्यक्ति से मतलब है, घड़ा अभी आपका व्यक्त हुआ है व्यवहार में आ रहा है, तो ये घड़ा अभिव्यक्ति में आपका व्यवहार कर रहा है, ये घड़ा का सत स्वरूप है। लेकिन वही घड़ा जब मिट्टी में था, जब उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, अभिव्यक्ति नहीं हुई थी, उत्पत्ति मिट्टी में उत्पत्ति के स्वरूप में मौजूद था, उस समय मिट्टी के उत्पत्तिवाद सिद्धांत में घड़ा का अभाव था। तो ये न सत ही ना सदीय सुक्त को जन्म देता है, न सत। ये दो पंक्ति आप याद करके जाइए, न का मतलब असत और असत कैसा, न सत के सदृश, सत की न्यूनता से युक्त कुछ पदार्थ था और सत पदार्थ ही था। तो मैडम जी, उर्मिल मैडम जी का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय आपको नहीं दे पाया, और समय की श्रृंखला में इस व्याख्यान को यहाँ पूर्ण करते हैं। और मैडम जी से अनुरोध है आप हमें इस तरह अवसर दीजिए ताकि वेद संस्थान के वेद कार्यों में आप सहयोग करें, आप मन बनाइए और हमें दीजिए। और आज समय का प्रतिषेध मैं कर रही हूँ। धन्यवाद। दास जी। हाँ जी दास जी। हाँ जी, अनुमति है आप बोलिए। थोड़ा सा मेरा है, अगर आप इजाजत दें दो मिनट हार्डली, मैं शुरू करती हूँ इसको प्रति। हाँ जी बोलिए। प्रतिषेधात्मक वाचक है किम आवरी वह कूकस्य चरणम, और इसका जवाब है तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे। ये जो किम आवरी का जवाब है वो तमासीत है, बाकी बहुत प्रश्न है मेरे, समय का अभाव है, फिर किसी दिन उनसे करेंगे। अच्छा रहा है तीन स्टेजेस में इन्होंने मंत्रों को बात कर, वाकई में साधुवाद की पात्र हैं,
और बहुत बहुत मुबारक है शशि जी को। बस इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सबको, सब प्रेम नमस्ते। शनिवार को फिर मिलेंगे एक पृथक विषय और एक सुलझी हुई विदुषी के साथ। धन्यवाद। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कोशिश करिए अगली बार भी जुड़े।